दिल्ली के केशवपुरम इलाके में स्कूल वैन और टैंकर की टक्कर, एक बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली के कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास हुआ हादसा, घायल बच्चों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने स्कूली बच्चों को कुचला, करीब 8 बच्चे घायल हो गए, एक छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली में DRI ने 41 किलो सोना और 213 किलो चांदी जब्त की, तस्करी कर दिल्ली लाया गया था। DRI ने दिल्ली के एक घर और दुकान में छापेमारी की, दरवाजे में छिपा कर रखा गया था सोना। झारखंड के चतरा में सड़क हादसे में 9 बारातियों की मौत हो गई, 16 बाराती घायल, 7 गंभीर। बिहार के दरभंगा में राधा कृष्ण मंदिर के पास 4 घरों में आग, लाखों का नुकसान हुआ। बिहार के मोतिहारी में एक घर का फर्श 3 दिनों से गर्म रहने से लोगों में दहशत, पांव रखते ही करंट जैसा झटका। बिहार के सीतामढ़ी में सीता जन्मस्थली को लेकर फिर उठे सवाल, सरकार ने जानकी धाम को विकसित करने का फैसला लिया। राजस्थान के जयपुर में ड्रग्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई, 2 दुकानों से 250 ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त किए गए। राजस्थान के सिरोही में टैंकर पलटने से 6 लोग घायल हो गए, 3 लोगों की हालत गंभीर है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 सट्टेबाज गिरफ्तार, 6,73,000 रुपए और 5 मोबाइल जब्त किए गए। मध्य प्रदेश के सतना में SUV और बाइक की टक्कर, 3 लोगों की मौत हो गई, मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। चारधाम यात्रियों के लिए राहत की खबर, अगले 10 दिन तक उत्तराखंड में मौसम सुहावना रहेगा। मुरादाबाद में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल, नहीं काटा चालान, लोगों ने भी लिया नियम नहीं तोड़ने का प्रण। झारखंड के धनबाद में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता, बच्चियों ने मारी बाजी। हरियाणा के सिरसा में पीएम मोदी की बेटी बचाओ अभियान का बड़ा असर, 1,000 लड़कों पर 996 लड़कियों का अनुपात। मुंबई में लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए खोले जाएंगे नो डेवलपमेंट जोन, 1,000,000 नए मकान बनाने की योजना है। महाराष्ट्र में छोटे फ्लैट पर स्टैंप ड्यूटी में बड़ी राहत, अब सिर्फ 1,000 रुपए लगेगी स्टैंप ड्यूटी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान, घर घर जाकर संदिग्धों की धरपकड़। हजारीबाग में 21 अप्रैल से 28 अप्रैल तक सड़क सुरक्षा सप्ताह, जागरूकता के लिए प्रभात फेरी निकाली गई। झारखंड के पाकुड़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह की रैली में बच्चे शामिल हुए, ट्रैफिक नियम को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। यूपी के बलरामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में समाजवादी पार्टी के नेता दिलीप वर्मा की बदजुबानी, अफसरों के सामने SP पर गंभीर आरोप लगाए। यूपी के मुरादाबाद में दबंगों ने युवक की पिटाई की, इलाके के लोग तमाशबीन बने रहे।